यस स्टूडेंट्स, अब हम एक शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.4 जिसमें है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन बिलो। इफ द रूट्स आर रियल फाइंड देम। हमें इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स बताना है, रियल है नो सॉल्यूशन है। अगर वह रियल है तो उसके हमें रूट्स फाइंड करने, और हमें पता है रूट्स फाइंड किससे करते हैं, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। यस स्टूडेंट्स, अब हमें सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स, ये मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में करा दिया है, एक्सरसाइज 4.3 में। यस, मैंने ये काफ़ी टेंस रिपीट किया है, अगेन मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। तब इसमें पूछा गया है जब डी इक्वल हमारा जीरो के होता है तो रूट्स हमारे रियल और इक्वल होते हैं, जब हमारा डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो रियल और अनइक्वल होता है, जब हमारा डी स्मॉलर देन जीरो होता है तो नो सॉल्यूशन होता है। यस स्टूडेंट्स, अगर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है तो हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, और x हो जाएगा हमारा, इन दोनों में से टू फॉर्मूले से कोई भी यूज़ करते हैं। यस, जब हमें d पता हो तो ये वाला यूज़ करेंगे फर्स्ट, व्हेन जब हमें 2d नहीं पता है तो हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। यस स्टूडेंट्स, बट जो फर्स्ट है वह ज़्यादा इजी है, शॉर्ट है, मीन्स शॉर्ट है वन स्टेप, क्योंकि उसका पहले ही हो जाता है ना, तो इसलिए शॉर्ट बन जाता है। यस स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ए बी और सी की वैल्यू पता होना चाहिए, ए बी और सी की वैल्यू पता होना चाहिए इक्वेशन से जो कि हमने लिख दी है। अब हम डी फाइंड करते हैं, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यस, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जिससे हमारा नेचर ऑफ रूट्स पता चलेगा। यस, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, किसको निकालने का, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। यस स्टूडेंट्स, डी बी क्या है हमारा, यहाँ पर चेक कीजिए, माइनस थ्री है। यस स्टूडेंट्स, माइनस फोर ए क्या है हमारा यहाँ पर, टू। सी क्या है हमारा, फाइव। अब हमें क्या करना है, थ्री का स्क्वायर कितना हुआ है, नाइन, माइनस फोर टू ज़ा एट, एट फाइव ज़ा फोर्टी। यस स्टूडेंट, अब इसको हमने माइनस किया तो हमें मिलेगा कितना, प्लस माइनस माइनस, तो हमें मिला ये 31, माइनस 31 मिला स्टूडेंट्स। और जो हमारा माइनस 31 है ये क्या है, नेगेटिव नंबर, इट मीन्स ये है ज़ीरो से छोटा, ये ज़ीरो से छोटा है तो रूट्स हमारे कैसे हुए, नो सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। सो स्टूडेंट्स, हम इसके रूट्स फाइंड नहीं कर सकते, जिसके रूट्स नो सॉल्यूशन में आए, जो रियल ना हो उसके रूट्स हम फाइंड नहीं कर सकते, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। यस स्टूडेंट्स, आगे हम पार्ट बी करते हैं। यस, पार्ट बी, पार्ट बी में भी यही है स्टूडेंट्स, ओनली और ओनली इक्वेशन है वह दूसरी याद आएगी इन प्लेस ऑफ इसके। जैसे कि हम लेते हैं बी, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। यस स्टूडेंट, ए क्या है हमारा यहाँ से थ्री, बी क्या है हमारा माइनस फोर रूट थ्री। यस स्टूडेंट्स, सी क्या है हमारा फोर। अब हम डी फाइन करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से, तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डी इक्वल्स टू बी का स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री का स्क्वायर करना है माइनस फोर, ए क्या है हमारा यहाँ पर थ्री, सी क्या है यहाँ पर हमारा फोर। यस स्टूडेंट्स, हम फोर का स्क्वायर करेंगे, माइनस फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस फोर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिक्सटीन, सिक्सटीन पॉजिटिव। यस, माइनस थ्री रूट थ्री, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, हाँ, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व एंड ट्वेल्व फोर ज़ा फोर्टी एट।
ये भी स्टूडेंट 48 हो जाएगा, एंड यह भी कितना हो जाएगा हमारा 48। यस स्टूडेंट, सो डी इक्वल्स टू जीरो, तो डी इक्वल्स टू तब जीरो आता है, तो रूट्स हमारे कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। गिवन रूट्स हैज रियल रूट्स द, दैट मीन्स इसके हम रूट्स फाइंड कर सकते हैं, जो रियल होगा उसके हम रूट फाइंड कर सकते हैं। द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, हैज रियल रूट्स। सो स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स के रूट्स फर्दर निकालने के लिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए, बाई टू ए। यस स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी क्या है हमारे पास, माइनस फोर रूट थ्री। यस स्टूडेंट्स, अब प्लस माइनस डी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, जीरो। यस स्टूडेंट, जीरो जीरो। यस स्टूडेंट्स, जीरो। आगे टू ए, ए क्या है हमारे यहाँ पर, थ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ हमें मिला फोर रूट थ्री। जीरो किसी का भी क्या होता है, यस स्क्वायर रूट ऑफ जीरो इज जीरो। यस, अब हमें मिला सिक्स। एक बार प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में। आपको ध्यान रखना है जब जीरो आए तो वो एज इट इज आ जाएगा। यस स्टूडेंट्स, जीरो को ऐड और माइनस करने पर नो इफेक्ट, डिजिट क्या आ जाती है, सेम। यस स्टूडेंट्स, तो हमें मिला एक्स के टू रियल रूट्स मिले, फोर रूट थ्री बाई सिक्स, और इधर से मिला हमें फोर रूट थ्री बाई सिक्स। यस स्टूडेंट्स, लेकिन यहां से देखिए जब ये क्या हो जाएगा हमारा, फोर रूट थ्री बाई सिक्स। यस स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, टू और थ्री। हम इसको लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू टू रूट थ्री, टू रूट थ्री, टू रूट थ्री बाई थ्री। यस स्टूडेंट्स, यहाँ से भी हम क्या लिखेंगे, फोर रूट थ्री बाई सिक्स। कट होने पर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हमें, एक्स इक्वल्स टू टू रूट थ्री बाई थ्री। यस स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल्स टू टू रूट थ्री बाई थ्री। हमारे एक्स के कितने रूट्स आ गए स्टूडेंट्स, टू रूट्स आ गए, टू रियल रूट्स आ गए। यस स्टूडेंट्स, ये अब हमें ये हमारा क्या हुआ है, आंसर। यस स्टूडेंट्स, टू ये प्रॉपर आंसर। एक मिनट देखिए, जो ये होता है ना हमारा थ्री होता है, ये इसको कट कर देता है अभी, कितने टाइम्स कर देगा रूट थ्री, क्यों करेगा देखिए, जब हमारा रूट थ्री में डिवाइड करेंगे थ्री से, ठीक है, तो जो हमारा रूट थ्री होता है, और थ्री क्या होता है हमारा, हम इसको लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, जब ये इससे कैंसिल हो जाता है तो कितने टाइम्स ये इससे डिडक्ट होता है, ये यस रूट थ्री टाइम्स रहता है। दैट मीन्स इसको हमने इससे कट किया
तो हमें रूट थ्री मिला, वैसे यहाँ पर इससे कट कर रहा तो हमें रूट थ्री मिला। सो हमारे आंसर्स हुए, यहाँ पर लिख देते हैं हम x इक्वल्स टू 2 बाय रूट 3। यस स्टूडेंट्स, अब ये कट नहीं होगा, यस कट ही करना है इसमें, बस थोड़ा सा आप कर देना है इसको, इसमें और कोई ऐसा कुछ भी ज़्यादा टफ कुछ भी है ही नहीं, ओनली और ओनली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर को लेकर आना है। यस स्टूडेंट्स, आगे हम चलते हैं अपने व्हील मूव ऑन सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यस स्टूडेंट, सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यस स्टूडेंट्स, अब हम सी पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो है 2x² - 6x + 3 = 0। सबसे पहले हमें ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर 2, बी का है -6, सी का है 3। यस स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर अप्लाई करना है b² - 4ac। तो b क्या है हमारा यहाँ पर -6² - 4, ए क्या है हमारे यहाँ पर 2, सी है हमारा 3। यस स्टूडेंट, 6 6 = 36, 4 2 = 8 3 = यस स्टूडेंट्स, हमारा आ गया कितना, आ गया 8 3 = 24 आ गया। अब हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। यस 36 में से क्या करना है, 24 को सबट्रैक्ट, तो हमें मिला 12। जो हमारा 12 है स्टूडेंट्स, वो क्या है, ना ही तो 0 के इक्वल है और ना ही 0 से छोटा है, ये है ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। यस स्टूडेंट्स, अब फर्दर हम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वी कैन सॉल्व इट, यस बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने इसको पुट किया x = -b + √d/2a। यस स्टूडेंट्स, हम इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, x की जगह पर x, माइनस b की जगह पर देखिए माइनस फॉर्मूले में भी है और क्वेश्चन में भी है, तो हमें लिख देना है +√d। क्या है हमारा 12 है, √d 12 है। यस स्टूडेंट्स, 12 है। इसके बाद आप देखिए 2a क्या है हमारा, 2। यस, अब हमें सॉल्व करना है इसको, हमें मिला -, +, +। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा 12 है ना, इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। यस, अब ये स्क्वायर रूट में है, अब हमें इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं, तो क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है तो इसके हम फैक्टर्स करेंगे। अगर यहाँ पे होता √5 तो उसे एज इट इज़ छोड़ देते, क्योंकि प्राइम नंबर है उसके फैक्टर्स होंगे ही नहीं, 1 इन इटसेल्फ होते हैं, और 12 लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसके फैक्टर्स करते हैं। ज़रा हमें मिलेगा, देखिए स्टूडेंट्स क्या मिलता है, जिसका पेयर कंप्लीट होता है ना, जिसका पेयर कंप्लीट होता है उसे हम रूट के बाहर लिखते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर √2 और रूट के अंदर लिख देंगे जो रह गया है 3। 2√3 में हमने इसको ब्रेक किया √12 को, ये हुआ हमारा 4। एक बार स्टूडेंट्स इसको आपको प्लस में लिखना है, और एक बार स्टूडेंट्स आपको इसको माइनस में लिखना है। यस स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए आप 2 कॉमन है ऊपर वाली इक्वेशन में, तो 2 कॉमन है तो 3 + √3 लिख देना है ना आपको इसको, यस बाय 4। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 कॉमन लेना है,
थ्री माइनस रूट थ्री बाई फोर बाई फोर, ये कट हो गया वन बाई टू, ये कट हो गया वन बाई टू, हमें मिला स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू थ्री प्लस रूट थ्री, थ्री प्लस रूट थ्री बाई टू, यस थ्री प्लस रूट थ्री x के हमें जो वैल्यूज मिली हमें मिली थ्री प्लस रूट थ्री बाई टू, अगेन एक मिला हमें x इक्वल्स टू थ्री माइनस रूट थ्री बाई टू, हैंस द रिक्वायर्ड रूट्स हमें मिल चुके हैं, हैंस द रिक्वायर्ड रूट्स ये लिख देनी है, हैंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर, द रिक्वायर्ड रूट्स आर थ्री प्लस रूट थ्री बाय टू एंड थ्री माइनस रूट थ्री बाय टू। ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट इट इज द आंसर। यस स्टूडेंट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसमें से, सच दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, हमें कंडीशंस दे रखी है सच दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, उनके कैसे रूट्स हैं, टू इक्वल रूट्स हैं, यस मीन्स ये वाली कंडीशन हमें पहले ही गिवन है रियल और इक्वल की। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब हमें इसमें क्या करना है, इसको यूज़ करना है, हमें पता है जो d होता है, यस जो हमारा d होता है वो किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के इक्वल होता है, तो हमें इसको यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की फॉर्म में लिखना है, एंड इक्वल जेरो के जेरो चलता रहेगा। जैसे तो हमें यहां पर क्या करना है स्टूडेंट्स, बी ए की वैल्यू क्या है, यहां से क्वेश्चन में से देखिए ए की वैल्यू है टू, यस बी की वैल्यू है हमारी के, एंड सी की वैल्यू है थ्री, पुट कीजिए इसमें, बी क्या है हमारा के स्क्वायर माइनस फोर का फोर लिखिए, ए क्या है हमारा टू, सी क्या है स्टूडेंट्स हमारा थ्री इक्वल्स टू ज़ेरो, यस के स्क्वायर माइनस फोर एट, ये हुआ हमारा फोर टू ज़ा एट थी ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू ज़ेरो। यस स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हैं, के स्क्वायर इक्वल्स टू 24, स्क्वायर किस में चेंज होता है रूट में, और प्लस माइनस का आता है ना, यस स्टूडेंट्स एक बार हमें के पॉजिटिव लिख देना है। अब अगेन 24 के क्या करेंगे हम फैक्टर्स, यस 24 के हम फैक्टर्स करते हैं, ये हो जाएगा कितना इस 12, आगे करना हमने हमें मिला क्या 6, आगे सॉल्व किया 3, आगे थ्री वन, यस स्टूडेंट कंप्लीट पेयर जो बन जाता है ना उसको हम कहाँ पर लिखते हैं, यस बाहर वाली साइड लिखते हैं, और जो अंदर रह जाता है इनकम्प्लीट पेयर वो होता है अंदर रूट के सिक्स, तो प्लस माइनस रूट टू रूट सिक्स। ओके स्टूडेंट्स हमारी के की वैल्यूज आ गई, एक बार तो लिखना है हमें टू रूट सिक्स, और एक बार लिखना है हमें नेगेटिव टू रूट सिक्स। ओके स्टूडेंट्स दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स देयर्स नो डाउट द वैल्यू ऑफ के इक्वल्स टू टू रूट सिक्स
एन माइनस टू रूट सिक्स. ओके स्टूडेंट्स, इट्स वेरी इजी फॉर यू. फर्दर हम लेते हैं बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब हम बी को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट बी को. यस स्टूडेंट्स, पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन सेकंड. यहाँ से सबसे पहले हमें ए की वैल्यू पता होना चाहिए. ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले तो इसको कंप्लीट फॉर्म बनाएंगे. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, तो मल्टीप्लाई किया हमने के एक्स का के एक्स स्क्वायर से, वैसे ही हमने किया इसका 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0. यस, अब है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में. a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू है यहाँ पर हमारी माइनस 2k, c की वैल्यू है यहाँ पर 6. यस स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, कंडीशन दे रखी थी सच दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स तब होते हैं तो जीरो के इक्वल होते हैं. यस, हमें पता है व्हेन डी इक्वल्स टू जीरो देन रूट्स आर रियल और इक्वल. रियल और इक्वल, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए माइंड में. यस, जो मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स बताए हैं मैंने काफी टाइम रिपीट कर दिया है आपके लिए. यस, अब हमने डी इक्वल्स टू जीरो लिखा स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, डी का फॉर्मूला और होता है वो होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac. यस, इसे हम अप्लाई करेंगे यहाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो. बी क्या है हमारा माइनस 2k. यस स्टूडेंट्स, माइनस 4, ए हमारा क्या है k, सी है हमारा 6 इक्वल्स टू जीरो. ये हो जाएगा हमारा 4k स्क्वायर माइनस 4 6 24k इक्वल्स टू जीरो. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉमन क्या है हमारा, देखिए 4 तो डिवाइडिंग बाय 4. 4 से हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड कर देंगे इसको इक्वेशन को. यस, 4 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा के एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो, के स्क्वायर इक्वल्स टू 6, के जो है हमारा किसमें चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, वन मिनट, 6k भी है यहाँ पर इक्वल्स टू जीरो. तो स्टूडेंट्स k कॉमन लेना पड़ेगा हमें, हमें मिलेगा k माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो. जब ऐसी कंडीशन आए तो k को एक बार इसके जीरो के इक्वल रखना है एंड k माइनस 6 को एक बार जीरो के इक्वल रखना है. k तो जीरो ही रहेगा, इक्वल्स टू जीरो प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा. k की कितनी वैल्यूज आ गई, 2 वैल्यूज आ गई. यस, 1 एक तो है हमारा k इक्वल्स टू जीरो और एक है हमारा k इक्वल्स टू 6. हैंस k इज इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल, जीरो नहीं आ सकता. यस, हैंस क्योंकि जो हमारा d इक्वल्स टू जीरो है तो ये हमारा इक्वल है और हमें क्या बतानी है, तो जीरो नहीं लिखना है आपको. यस स्टूडेंट, आपको क्या लिख देना है, हेंस के इक्वल टू 6 द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव टू इक्वल रूट्स. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स के इक्वल्स टू 6 है जो हमारा, हमें लिख देना है लास्ट में देयरफॉर इफ दिस इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स के शुड बी 6 ओनली. ओके स्टूडेंट्स,
वील मूव ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर. इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर. यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है किससे? यस, एक रेक्टेंगल से. एक क्या है, एक ऐसे मैंगो आम का क्या बनाना है, बगीचा, बगिया बनाना संभव है जिसकी जो लेंथ है वो क्या है, चौड़ाई से दुगनी है. क्या है? दुगनी. यस, लेंथ है जो ट्वाइस है किसके, ब्रेथ के. अब इसमें कह रहा है इफ, यस, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए. उसकी क्या करनी है हमें, लेंथ और ब्रेथ क्या करना है, फाइंड करना है. यस स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करते हैं इसको. सबसे पहले जो हमारी लेंथ दे रखी है वो क्या दे रखी है, इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ में दे रखी है, तो हम ब्रेथ को मानेंगे. क्या क्या मानेंगे स्टूडेंट्स, एक्स मीटर. यस, लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल्स टू एक्स मीटर. यस स्टूडेंट, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल्स टू लेंथ कितनी हो जाएगी, ट्वाइस, यस, टू एक्स मीटर. अब क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर है एरिया कितना दे रखा है, एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना दे रखा है. एरिया गिवन है हमारा 800 मीटर स्क्वायर. यस, 800 मीटर स्क्वायर. तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाँ, जो हमारा रेक्टेंगल होता है ना, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एल इंटू बी. और पेरीमीटर का क्या होता है, पेरीमीटर का होता है 2 इंटू एल प्लस बी. यस स्टूडेंट्स, तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा एल इंटू बी इक्वल्स टू 800. एल देखिए हमने क्या मानी है, यहाँ से लेंथ 2x एंड ब्रेथ हमने क्या मानी है इसकी, एक्स. यस स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हो गया हमारा 2x² इक्वल्स टू 800. यस स्टूडेंट्स, 2 कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, हमें मिला क्या 400. यस स्टूडेंट्स, स्क्वायर का क्या कर दिया हमने, ट्रांसफर. स्क्वायर किस में चेंज होता है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट में चेंज होता है. यस, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 400. हमें मिलेगा एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव 20 एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव 20 एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस 20. ओके स्टूडेंट्स, बट एक्स इक्वल्स टू माइनस 20 इज नॉट पॉसिबल सिंस द साइड कांट बी नेगेटिव. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा एक्स इक्वल्स टू माइनस 20. सो हमें क्या ले लेना है स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल्स टू 20 लेना है. हम लिख देंगे हेंस लेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने क्या किया,
अब लास्ट में पुट कर दिया एक्स की वैल्यू, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल्स टू कितना हुआ यार 20 मीटर, एंड द ब्रीथ हमने क्या माना था 2x, 2x मीन्स 2 का 2 है, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दी 20, तो हमें मिला क्या 40 मीटर। यस स्टूडेंट, फर्दर वील कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4।